वेलकम, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं टुडेज, जहां होता है एंटरटेनमेंट की दुनिया से डायरेक्ट कनेक्शन। फिल्म इश्क बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्मों में से एक है। रोमांटिक कॉमेडी फिल्म इश्क में अजय देवगन, आमिर खान, काजोल और जूही चावला अहम भूमिका में थी। इस फिल्म में चारों के काम को लोगों ने खूब पसंद किया था। 28 नवंबर 1997 को यह फिल्म देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। यह फिल्म काजोल और अजय की शादी से 2 साल पहले रिलीज हुई थी। इस फिल्म के दौरान दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत भी हो गई थी। अब काजोल और अजय देवगन की शादी को 21 साल हो चुके हैं। दोनों की लव मैरिज थी और प्यार का ये सिलसिला आंखों ही आंखों में एक साथ फिल्मों के दौरान शुरू हुआ। इश्क फिल्म से अजय देवगन और काजोल की लव स्टोरी शुरू हुई थी। इसी फिल्म के साथ ही दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया था। 4 साल डेटिंग के बाद दोनों ने शादी कर ली थी, लेकिन एक बार अजय को ये दीवानगी इतनी भारी पड़ी कि उनकी जान पर बन आई थी। हम बात कर रहे हैं उनकी सुपरहिट फिल्म इश्क के सुपरहिट कॉमेडी सीन की। वहीं इसके एक सीन की बात करें तो काजोल को देखकर अजय देवगन इस तरह बेसुध हो गए थे कि दो बिल्डिंगों के बीच जुड़े हुए पाइप पर चलने लगे थे। कई मंजिला ऊंची इन इमारतों के बीच अजय देवगन को जिसने भी देखा तो वो मदद के लिए चिल्लाने लगा और उन्हें बचाने के लिए दौड़ पड़ा था। आखिरकार अजय के दोस्त आमिर खान ने उन्हें अपनी जान पर खेल कर बचाया था और यह फनी मूवी सीन लोगों को काफ़ी याद आया था और इसे देख सिनेमा हॉल में दर्शक हंस हंस कर लोटपोट हो गए थे। बता दें कि इश्क फिल्म के गाने भी काफ़ी हिट हुए थे। इस फिल्म के गानों को अन्नू मलिक ने संगीत दिया था। इश्क फिल्म के गाने आज भी लोगों की जुबां पर रहते हैं। बात करें इश्क के अलावा अजय देवगन और काजोल, प्यार तो होना ही था, दिल क्या करे, राजू चाचा, टूनपुर का सुपर हीरो गुंडा राज हलचल में नजर आ चुके हैं। वहीं जनवरी 2020 में रिलीज हुई तान्हाजी में भी दोनों के साथ काम किया और दोनों की केमिस्ट्री का जादू फिर से दर्शकों पर चल गया। फिल्म जबरदस्त हिट हुई थी। थैंक यू सो मच की वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज एंड अपडेट।